नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं लोक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। संस्कृति वर्मा गोलीकांड, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू की गिरफ्तारी पर रोक, 16 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। संस्कृति वर्मा गोलीकांड मामले में अदालत ने पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू रूपा शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बेला थाना पुलिस से कैश डायरी व जख्म प्रतिवेदन मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत की अर्जी के निष्पादन तक गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। रूपा शर्मा की अग्रिम जमानत की अर्जी पर अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। मुजफ्फरपुर बेल औद्योगिक थाना क्षेत्र के बेला में एक फैक्ट्री की कर्मी संस्कृति वर्मा को गोली मारने की साजिश में शामिल आरोपित व पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू रूपा सिंह उर्फ रूपा शर्मा की गिरफ्तारी व अन्य दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। रूपा शर्मा की ओर से जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नवल किशोर सिन्हा, वर्तमान अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर उर्फ रामबाबू ठाकुर व पूर्व महासचिव प्रवीण कुमार ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। इस अर्जी पर सुनवाई के क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने ये रोक लगाई है। अग्रिम जमानत की अर्जी के निष्पादन तक ये रोक रहेगी। कोर्ट ने बताया, थाना पुलिस से केस डायरी व जख्म प्रतिवेदन की मांग की है। रूपा शर्मा की अग्रिम जमानत की अर्जी पर अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। रूपा के विरुद्ध जारी हुआ था वारंट। बेला थाना अध्यक्ष रंजन वर्मा की अर्जी की सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी विनय कुमार की कोर्ट ने रूपा के विरुद्ध वारंट जारी किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी व अन्य दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगाए जाने के कारण पुलिस फिलहाल इस वारंट का तामिला नहीं करा सकेगी। विदित हो कि 25 जून को लगभग 10:10 पर बेला फेजे की एक मसाला फैक्ट्री के निकट बाइक सवार तीन बदमाशों ने पीछा कर संस्कृति को तीन गोलियां मारी थी। वह उस समय मिठनपुरा थाना के भारत माता चौक स्थित आवास से स्कूटी से अपने ऑफिस जा रही थी। उसने कार शोरूम की मालकिन व पूर्व मंत्री की बहू रूपा शर्मा को नामजद आरोपित बनाते हुए बेला औद्योगिक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें रूपा शर्मा पर गोली मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। बाद में पुलिस ने रूपा शर्मा के कार शोरूम के कर्मचारी रहे तुषार कुमार वर्मा, अभिनीत कुमार उर्फ सन्नी, आरोपित शूटर कृष्णकांत मिश्र व सेटर शिवशेख रंजन को गिरफ्तार किया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोक स्मार्ट।